गुड मॉर्निंग सभी का। और ये ऑस्ट्रेलियन वीर है, वाइट नुकरा घोड़ा आप जो देख रहे हो। नमस्कार भाई, नमस्कार भाई सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर भाई। पंजाब में बहुत सर्दी बड़ी हुई है यार। हाँ, है? बहुत है, आज तो थोड़ा सा मौसम फिर भी आज थोड़ा ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ठीक है, कल तो बहुत धुंध और धुंध भी थी। हाँ, परसों ज्यादा थी धुंध। जानवर भी जो मेले पे आते हैं उनका भी थोड़ा सा थोड़ा खराब होती है। सही है, थोड़ा सा चलो। बाकी मंडी भर गई, वही बहुत है। हाँ, मेला बहुत बड़ा था, जानवर भी बहुत, जानवर भी काफी आए थे, बहुत बढ़ गया, काफी जानवर आए थे। और जानवर मेले पे आए भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे आए, बहुत अच्छे अच्छे जानवर आए। मेरे ख्याल से 6-7 हजार जानवर करीब आए हैं इस मंडी में। जो अभी मान के चलो भी 4-5 साल 6 साल पहले मेला लगता था वैसा मेला इस बार भरा। अच्छा, नहीं तो पिछले 2-3 दफा मान के चलो मेले में थोड़ा सा फीकापन पड़ा था, लेकिन इस बार मेला बहुत अच्छा भरा। ओके। तो भाई सबके पहले तो आपका नाम बता दीजिए मुझे, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र विरक, सुरेंद्र विरक जी। ऑस्ट्रेलियन वीर। ओके, कितने घोड़े घोड़े हैं अपने पास में? अभी इस समय सरनो भाई है 20 जानवर। 20 जानवर। उसमें दो तो ऑस्ट्रेलियन है, एक जो वीर है, एक मारवाड़ ऑस्ट्रेलियन है रतनवीर। अच्छा अच्छा। और दो बच्चे हैं बहुत अच्छे जो कॉल्ट तैयार कर रहे हैं, तो मारवाड़ी और नुकरी सभी रखते हैं। और एक ये ऑस्ट्रेलियन आपके पास में? हाँ, ये तो पक्का है, नॉट फॉर सेल है जो घर पे। अच्छा अच्छा। नाम क्या? आप खुद ही ब्रीडिंग करवाते हो इससे? हाँ, खुद ही ब्रीडिंग। और इसी के आगे आपका नाम चल रहा है? ये घर का ही है अपना? या नहीं जी, ये तो पैदाइश तो मिंटू रोडे वाले के घर पे हुई थी इसकी। ओके। हाँ भाई, ये ब्रीड कहाँ हुआ था? ये मिंटू रोडे वाले के घर पे ब्रीड हुआ था। ओके ओके। और जो मिंटू रोडे वाला बड़ा ऑस्ट्रेलियन था वो इसका बाप है। अच्छा। और जो इसकी मदर है उसने बहुत अच्छे अच्छे बच्चे प्रोड्यूस किए। जो अंकल जसपाल जी वाला बेताब घोड़ा था, अच्छा अच्छा, वो इसका छोटा भाई था। अच्छा, मदर साइड से? मदर साइड से, वे दोनों एक मदर के ही हैं। अच्छा, तो छोटा था ये, बड़ा था ये, पहला बच्चा जो उसी मदर के पहला बच्चा दिया। मतलब ये अगर बात करें बेताब की तो बेताब से बड़ा है ये? बेताब से बड़ा भाई है उसका। अच्छा अच्छा। हाँ, माँ की तरफ से? माँ की तरफ से। और ये मिंटू भाई के घर पे ब्रीड हुआ, उसने इसको ऑस्ट्रेलियन तैयार किया। अच्छा अच्छा। जब ये 2 दांत बच्चा था तो उस समय उसने सेल किया था इसको, सेल आउट कर दिया था। अच्छा। और फिर 2017 में किस्मत अच्छी थी तो जी हमें मिल गया, आपका मिल गया ये। ओके 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 ओके। 2017 से आपके पास में? 2017 के मेरे पास है। और तो अभी तो इसने बहुत अच्छा नाम कर दिया, मतलब 2017 से मेरा नाम ऊपर मार्केट में आया वो इसकी बदौलत है। अच्छा, इसी घोड़े की वजह से? आज 3 साल में कम से कम इसने 8-9 बच्चे ऐसे दे दिए हैं जो बड़े ऑस्ट्रेलियन तैयार हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और काफी 3-4 बच्चे तो जो मैंने घर पे ही तैयार करके सेल किए हैं, अच्छे 66-66 इंच की हाइट के बच्चे तैयार हुए हैं। मतलब अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसके, अच्छे और अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर। आपके मिंटू रोड़े वाले की लाइन बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी है। तरीके में समुंदर, और ये समुंदर इससे 2 महीने बड़ा है। समुंदर? समुंदर भी बहुत बढ़िया घोड़ा है, बहुत बढ़िया ऑस्ट्रेलियन है। देखो मिंटू वाली ब्रीड में ये आता है जी लाइन में मजबूती बहुत ज्यादा आती है। अच्छा अच्छा। लेंथ बहुत आती है, लेंथ भी अच्छी लेंथ बहुत है। जो इसका पुट्ठा है वो आम घोड़ों से 1 फुट लंबा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसीलिए जो बच्चे भी अच्छे इसीलिए प्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी कितनी एज का हो गया है? ये हो गए जी 10 साल के करीब। 10 साल का? अभी भी ब्रीडिंग चालू है इससे? सरवण भाई ऐसे होता है जो कोई भी ऑस्ट्रेलियन होता है ना, वो जब 5 साल के ऊपर जाता है तो फिर अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करने शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। जो ऑस्ट्रेलियन का मतलब 5 साल के ऊपर जब उम्र में जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बच्चे अच्छे आएंगे। तो जैसे अली शान मान के चलो, पहले किसी को नॉल पता ही नहीं था, अली शान 30 साल का घोड़ा होकर एक्सपायर हुआ, तो पिछले लास्ट 10-15 साल में उसका बहुत बच्चे अच्छे आए उसके। क्या हाइट होगी इसकी? इसकी 63.5 है। 63.5। अच्छा, 63.5 हाइट है इसकी। हाँ, कहीं शो में भी लगाया था क्या इसको? ये जब 2 दांत में था तो उस समय बटाला में विनर आया था। बटाला में? हाँ, उसके बाद हमने शो में नहीं लगाया। अच्छा, एक शो चैंपियन है मतलब? हाँ, एक शो चैंपियन है, क्योंकि सरम भाई ऐसा होता है जो ब्रीडिंग वाले घोड़े होते हैं ना ज्यादातर, वो शो में ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाते। सही बात। और इसकी ब्रीडिंग चार्ज क्या है आपके? 11,000 रुपये। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा घोड़ा आपका, बहुत ही शानदार आपका घोड़ा। आपके एक बार मोबाइल नंबर और बता दो मेरे को। 9465161468। ठीक है भाई, ओके।
गांव रसूलपुर नियर कोटपुटा डिस्ट्रिक्ट तरन तारण है ना। ऑस्ट्रेलियन वीर है ये और मिंटू रोड़े वाले की लाइन का है, बहुत ही बेहतरीन घोड़ा आप देख रहे हो, वाइट ऑस्ट्रेलियन और स्पॉटलेस है, हल्के से स्पॉट है इसमें पीछे की तरफ।